नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। पालघर जिले के विक्रमगढ़ मनोहर मार्ग पर आज एक बड़ा और भीषण बस हादसा हो गया, जहां एक डंपर और एसटी बस में आमने सामने की टक्कर हो गई। इस घटना में दो बच्चों की मौत हो गई, वहीं 15 से अधिक यात्री घायल हो गए। सोशल मीडिया में इस हादसे का एक 6 सेकंड का वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि हम इस वीडियो के इसी हादसे के होने की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन हादसा होने की पुष्टि जरूर प्रशासन द्वारा की गई है। और तो और, खुद पालघर सांसद राजेंद्र गावित आज पालघर की मोखड़ा तहसील के दौरे पर थे, और जैसे ही राजेंद्र गावित को घटना की जानकारी मिली, राजेंद्र गावित ने घटनास्थल पर पहुंचकर निजी वाहन से घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। घायलों में से कुछ की हालत बेहद गंभीर होने की भी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है, जिसके बाद इस हादसे में मृतकों की संख्या और भी बढ़ने का अंदेशा जताया गया है। देखिए इस हादसे के बाद पालघर सांसद राजेंद्र गावित जब स्पॉट पर थे तब का वीडियो। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। एफ न्यूज लाइव को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे गूगल पे बार कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक रूप से मजबूत करें। धन्यवाद।